गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर नेक्स्ट पैथोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्लूइड एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड? इट इज़ अ विस्कस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फाउंड इन द कैविटीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट के अंदर कैविटीज में न्यूटन के लॉ को ना फॉलो करने वाला जो विस्कस फ्लूइड है उसको आप साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं. इसकी कंसिस्टेंसी एग के योक जैसी होती है और इसका मेन काम होता है आपके साइनोवियल जॉइंट्स के आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच में फ्रिक्शन को कम करना. तब जब आप चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बॉडी को हिला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस दौरान मूवमेंट के दौरान साइनोवियल जॉइंट के आर्टिकुलर कार्टिलेज के बीच में फ्रिक्शन को कम करना. साइनोवियल जॉइंट में जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको अपन साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसमें से साइनोवियल फ्लूइड हमेशा बनता रहता है और जॉइंट कैविटी के अंदर इकट्ठा रहता है. इस फ्लूइड की खासियत कि इसमें हाइल्यूरोनिक एसिड होती है, ये पॉइंट याद रखना है आपको. बाकी बॉडी फ्लूइड्स में नहीं पाया जाता है, हर कहीं नहीं होता है हाइल्यूरोनिक एसिड, बॉडी के कुछ एक पार्ट में ही देखने को मिलता है. तो साइनोवियल फ्लूइड में ये पाया जाता है जो कि फाइब्रोब्लास्ट जैसी सेल्स जो साइनोवियल मेम्ब्रेन में पाई जाती है उसमें उसके द्वारा सीक्रेट होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के फिल्ट्रेशन से जो ब्लड प्लाज्मा में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके सीक्रेशन से ही बनता है. फ्लूइड एक थिन लेयर बना लेता है कार्टिलेज की सरफेस पर और इसके अलावा ये माइक्रो कैविटीज में भी रहता है. आर्टिकुलर कार्टिलेज सरफेस की इरेगुलरिटीज में भी हैं और जितना भी कहीं पर, मतलब कहीं पर वो इरेगुलर सरफेस है वहाँ पर ये होता है और कहीं पर भी एंटी स्पेस होएगा, खाली जगह है वहाँ पर ये भरा हुआ होता है. अपने मूवमेंट के दौरान ये साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कार्टिलेज को हेल्प करता है स्क्वीज होने में, स्क्वीज आउट होने में मैकेनिकली, ताकि फ्लूइड की लेयर जो है उसको मेंटेन किया जा सके कार्टिलेज की सरफेस के ऊपर. इसको अपन वीपिंग ल्यूब्रिकेशन कहते हैं क्योंकि ल्यूब्रिकेट कर रहा है. तो कैसा ल्यूब्रिकेशन कर रहा है? ये वीपिंग ल्यूब्रिकेशन ये कर रहा होता है. अब ये फंक्शन क्या करता है? जो हमने सबसे पहले बोला कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा. दूसरा, शॉक कोई भी लगे, हम अचानक से गिर जाएं, पड़ जाएं, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रिएंट और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है. न्यूट्रिएंट को उस जॉइंट तक लेकर के आता है, वेस्ट को वहाँ से रिमूव करता है. फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है क्योंकि आर्टिकुलर जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेट करता है. शॉक को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये डायलेटेंट फ्लूइड है, इसमें बहुत रेयर क्वालिटी होती है ज़्यादा विस्कस होने की प्रेशर अप्लाई करने पर. तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बस ठीक है, आप इसको पढ़ते रहो सिंपल. ये शॉक को कोई भी धक्का सा लगे, कुछ भी चोट लगे, तो उसके ज़्यादा चोट हमारे उस पार्ट पे ना लग सके, तो शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है. इसके अलावा ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो कॉन्ड्रोसाइट से और रिमूव करता है कार्टिलेज के चारों तरफ. अब हमें इस फ्लूइड को एग्जामिन करने की क्या ज़रूरत पड़ी है भाई? तो जॉइंट एस्पायरेशन जो है अपन परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें डायग्नोस करना है या कोई जॉइंट डिसऑर्डर हुआ है तो उसको डायग्नोस करना, या जॉइंट डिसऑर्डर में क्या ट्रीटमेंट देना है या कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है उसको असेस्ट करने के लिए भी अपन इसको एग्जामिन कर सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अपन एग्जामिन कर सकते हैं. इसमें फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है. तो कौन कौन सी कंडीशन में अपने को ये लेना है सैंपल? तो गाउट में जितने भी तरह की आर्थराइटिस होती हैं, कोई जॉइंट का इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें अपन ये फ्लूइड ले सकते हैं. जॉइंट एस्पायरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं फ्लूइड के लार्ज कलेक्शन को रिमूव करके. जॉइंट के चारों तरफ से लार्ज कलेक्शन को आप रिमूव कर दो, यानी जॉइंट एस्पायरेशन से ले लो. कई बार ब्रूसाइटिस, मतलब बरसा का इन्फ्लामेशन की वजह से भी जो जॉइंट में है ये फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तो फ्लूइड को आपको रिमूव करना पड़ता है ताकि प्रेशर को अपन कम कर सकें और उससे पर्सन को पेन में काफ़ी आराम मिलता है. तो जरूरी नहीं होता कि हर बार अपन डायग्नोस या ट्रीटमेंट के लिए कर रहे होते हैं, बल्कि कुछ चीज़ों में आराम देने के लिए भी अपन इसको रिमूव कर रहे होते हैं.
क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा तो मूवमेंट हो नहीं पाएगा, इसलिए मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट के मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए भी हमारे को इसको एस्पायरेट करना पड़ता है। कई बार जब हम मेडिकेशन इंजेक्ट कर रहे होते हैं जॉइंट के अंदर, तब भी हमारे को थोड़ा फ्लूड को रिमूव करना पड़ता है ताकि उसकी टेंडोनिसिटीज़ या बर्साइटिस जो है उसको ट्रीट किया जा सके। अब रिमूवल में अपन क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर हैं। आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर ले रहे हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का बहुत डर रहता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं मे इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, भाई एस्पायरेशन साइट में डिस्कम्फर्ट होएगा पर्सन को, बर्सिंग हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो इस तरह के जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अब एस्पायरिंग करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेनी होती हैं, जैसे कि डॉक्टर को ये प्रोसीजर पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी है और उसको ये अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके उस प्रोसीजर के बारे में किसी भी तरह का। लेबोरेटरी जो स्टाफ है उसको भी गाइड करना चाहिए पेशेंट को कि ये टेस्ट क्या है, कैसा है, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे हम सैंपल निकालेंगे, और पेशेंट कोई भी साइन पूछ रहा है, आर आस्क टू साइन अ कंसेंट फ्रॉम दैट गिव्स परमिशन टू डू द प्रोसीजर। और आप उससे पहले फॉर्म फिल करवा लीजिए, उसकी परमिशन ले लीजिए और उसके बाद ये प्रोसीजर करवाइए, क्योंकि काफ़ी थोड़ा ख़तरनाक टाइप का प्रोसीजर है। लेबोरेटरी स्टाफ को ये नोटिफाई करना होता है कि अगर पेशेंट सेंसिटिव है किसी मेडिकेशन की एलर्जिक रिएक्शन के होने के लिए, जैसे कोई मेडिकेशन है, कोई लेटेक्स है, टेप है, एनेस्थेटिक एजेंट है, चाहे लोकल हो चाहे जनरल हो, अगर उससे उसको एलर्जी होती है तो ये भी आपको पहले पता होना चाहिए लेबोरेटरी स्टाफ को। इसके अलावा सभी मेडिकेशंस भी आपको डॉक्टर वो पेशेंट को बतानी पड़ेगी जो भी प्रेस्क्राइब की जा रही है। और हर्बल सप्लीमेंट्स कोई अगर पेशेंट ले रहा है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेबोरेटरी स्टाफ शुड ऑल्सो नोट इफ़ द पेशेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, भाई वो किसी तरह की कोई दवाई ले रहा है तो आपको पता होना चाहिए, कोई हर्बल मेडिसिन ही क्यों ना हो आपको ध्यान होना चाहिए, या उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री चल रही है, या कोई एंटी कोगुलेंट लेता है, ब्लड थिनर जो होते हैं एंटी कोगुलेंट जैसी मेडिकेशंस ले रहा हो, एस्पिरिन जैसी, या कोई दूसरी मेडिकेशन जिससे ब्लड क्लॉट पे कोई असर पड़ता हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो पहले आप उन दवाइयों को रुकवा दीजिए, उस प्रोसीजर को लेने से पहले दवाइयाँ उसकी बंद करवाइए। जनरली हमारे कोई पहले प्रायर प्रिपरेशन कुछ करनी नहीं पड़ती है, जैसे फास्टिंग या सिडेशन की कोई रिक्वायरमेंट जो है इसमें नहीं होती है, सिंपल आप सैंपल ले सकते हो। इस एस्पायरेशन के दौरान आपको आउट पेशेंट बेसिस पर आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। प्रोसीजर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है। जनरली जॉइंट एस्पायरेशन जो है नीचे प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके इस प्रोसेस के थ्रू अपन को करना है कि पेशेंट को सबसे पहले आप अच्छे पोजीशन में बिठाएं लिटाएं ताकि डॉक्टर या टेक्नीशियन जो है वो ईजीली उसके जॉइंट से एस्पायरेशन करवा सके। स्किन जॉइंट के एस्पायरेशन के जो एस्पायरेशन साइट की जो स्किन है उसको आपको क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। लोकल एनेस्थेटिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को जो है वो फील हो सकता है कि नीडल स्टिक हो रही है जब आप एनेस्थेटिक इंजेक्ट कर रहे हैं, और उसको स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि उसको कोई डंक मारा गया है, कांटा चुभा है। डॉक्टर और टेक्नीशियन को फिर उसके बाद नीडल इंसर्ट करनी है स्किन में जॉइंट के अंदर, और उस समय पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या प्रेशर फील हो सकता है। उसके बाद उसको फ्लूड निकाल लेना है, डॉक्टर टेक्नीशियन जो भी ये सैंपल ले रहा है उसको फ्लूड निकाल लेना है सिरिंज के अंदर जो निडल से जुड़ी हुई है। फिर निडल को आप रिमूव कर दीजिए, स्टाइल बैंडेज या ड्रेसिंग उसके उस पार्ट पे अप्लाई करिए, और फ्लूड सैंपल को जो है लैब में भेज दीजिए एग्जामिनेशन के लिए। तो ये दिखाया गया है कैसे आप सिरिंज, ये जो निडल है वो इंसर्ट कर रहे हैं जॉइंट के अंदर, फ्लूड को ले रहे हैं। अब लेने के बाद जब सैंपल एक बार आ गया तो ये इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए कि वो जॉइंट एस्पायरेशंस को इसकी जो साइट है उसको क्लीन और ड्राई रखे। वो साइट हो सकता है तनाव में आ जाए, वहाँ पर कोई सोर हो जाए कुछ दिनों तक जॉइंट एस्पायरेशन प्रोसीजर के बाद, तो वो पेन रिलीवर ले सकता है सोरनेस के लिए डॉक्टर से रिकमेंड करवा करके।
एस्पिरिन या कुछ दूसरी जो पेन मेडिकेशंस हैं वो ब्लीडिंग के चांस बढ़ा देती हैं, इसलिए आपको दवाई लिखते समय ध्यान होना चाहिए। पेशेंट को गाइड करना है कि वो डॉक्टर को रिपोर्ट करे अगर किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मल कंडीशन उसको दिखाई दे रही है, जैसे बुखार उसको चढ़ रहा है, वो पार्ट लाल हो गया, सूजन आ गई, ब्लीडिंग हो रही है, या कोई ड्रेनेज हो रहा है उस एस्पायरेशन साइट से, तो आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, या पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उस एस्पायरेशन साइट पर, तब भी आपको इन्फॉर्म पेशेंट को करना चाहिए, ये बात आप पेशेंट को बताएंगे। अब जब आपने सैंपल ले लिया तो उसकी हैंडलिंग कलेक्शन कैसे करना है, तो सभी जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। यूजुअली हम ये नी जॉइंट से कलेक्ट करते हैं, नॉर्मल अमाउंट नी का 3.5 ml से भी कम होता है। हाँ, कोई जॉइंट डिसऑर्डर हुआ हो तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। सैंपल को आपको कलेक्ट करना है, डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ फ्लूइड बिल्डअप इन द जॉइंट डिपेंड कर रहा है कि भाई जॉइंट में वैसे फ्लूइड बनता कितना है। नॉर्मली सैंपल जो अपन को 3 test tubes में, ये मैंने पहले आपको बताया था ना, प्लूरल में मैंने कहा था, याद कर लीजिए, आपके सब जगह काम आएगा। EDTA ट्यूब में सेल काउंट और TLC और DLC दोनों की जाती है, सेल काउंटिंग की जाती है, और हेपारिन एक ट्यूब के अंदर आपको हेपारिन, एक में तो EDTA डाला, एक में हेपारिन डाला, जिसके अंदर आप केमिकल और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। तीसरी स्टेराइल ट्यूब है जिसमें आपको क्रिस्टल एग्जामिन करना है और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करनी है। अब लेबोरेटरी टेस्ट क्या करना है, तो ये नीचे टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे आप ग्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो, वो फ्लूड का कलर क्या है, वो क्लियर है या नहीं है, अपीयरेंस वो कैसा दिखाई दे रहा है, क्लियर या लाइट येलो दिख रहा है तो वो नॉर्मल है फ्लूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो टर्बिड या क्लाउडी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें सेल काउंट बढ़ गया है। क्रिस्टल्स उसमें दिख सकते हैं, कार्टिलेज के डेब्रिस दिख सकते हैं, हो सकता है वो फ्लूड ब्लडी दिखाई दे, तो ब्लडी अगर दिख रहा है तो वो हैमरेजिक फ्लूड हो सकता है या ट्रॉमेटिक एस्पायरेशन हो सकता है। हैमरेजिक फ्लूड होमोजीनियसली ब्लडी दिखाई देगा, जबकि ट्रॉमा की वजह से है तो ब्लड के स्ट्रीक्स आपको दिखाई देंगे। कलर वेरी कर रहा होता है कि भाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या कोई सेल उसमें मौजूद है या कोई क्रिस्टल उसके अंदर मौजूद है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप ल्यूकोसाइट काउंट और DLC आप कर सकते हो माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके, तो रेड ब्लड काउंट और वाइट ब्लड सेल की काउंटिंग कर सकते हो। आपको क्रिस्टल्स भी उसके अंदर दिखाई दे सकते हैं जो कि गाउट या बैक्टीरिया को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, डीहाइड्रोजिनेस यानी LDH वगैरह को भी आप मेज़र कर सकते हैं, फ्लूड को कल्चर कर सकते हैं अगर आपको लगता है इसमें कोई बैक्टीरिया है तो। अब देखिए नॉर्मल फ्लूड का वॉल्यूम कितना होता है, 3.5 ml से ज़्यादा होता है, मतलब 3.5 ml लगभग होता है। अगर 3.5 ml से ज़्यादा मिले तो वो नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, और अगर बहुत ज़्यादा मिल जाए तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन को इंडिकेट करेगा, सेप्टिक को भी इंडिकेट करता है, हेमरेज को भी इंडिकेट करता है। विस्कोसिटी हाई होती है नॉर्मली फ्लूड की, अगर हाई ही दिखाई दे रही है इसका मतलब इन्फ्लामेशन तो नहीं है, पर अगर लो दिख रही है तो इन्फ्लामेशन है, और अगर मिक्स्ड टाइप की दिख रही है तो सेप्टिक कंडीशन को इंडिकेट करता है, और अगर लो दिख रही है और लो दिख रही है तो हेमरेज को इंडिकेट करेगा। क्लैरिटी नॉर्मल ली तो क्लियर ही होता है, नॉन इन्फ्लामेशन में भी क्लियर होगा, पर इन्फ्लामेशन है तो क्लाउडी दिखाई देगा, सेप्टिक इन्फेक्शन हो गया तो वो ओपेक दिखाई देगा, हैमरेज हो गया तो मिक्स टाइप का दिखाई देगा। कलर, ये कलर लेस या स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ येलो दिख रहा है तो नॉन इन्फ्लामेटरी, येलो दिख रहा है इन्फ्लामेटरी, मिक्स्ड कलर दिख रहा है तो इन्फेक्शन, और रेड दिख रहा है तो ऑब्वियस है हैमरेजिक भाई। WBC काउंट जो है वो 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर आपको दिखाई देती है, लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर तो नॉर्मल है, 2000 तक दिखाई दे रही है तो नॉन इन्फ्लामेटरी, और 5000 से 75000 दिख रही है तो इसका मतलब वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, 50000 से ज़्यादा दिख रही है तो इन्फेक्शन है, और ब्लड लेवल के जैसी हेमरेज है तो ब्लड लेवल जैसी दिखाई देगी। अब पॉलीज की परसेंटेज देखिए आप, क्या और सेल्स जो दिख रही हैं 25 से कम नॉर्मली है, 25 से कम ही नॉन इन्फ्लामेटरी में भी होती है, 50 से 70 इन्फ्लामेटरी, 70 से ज़्यादा सेप्टिक हेमरेजिक ब्लड के जैसे। ग्राम स्टेनिंग कर सकते हो तो आपकी ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव आएगी लगभग सभी कंडीशन में, पर अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब इन्फेक्शन से
इन्फेक्शन को वो इंडिकेट कर रही है। बस इसके साथ ही आपका साइनोवल फ्लूइड नाम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और बाकी जो भी अभी काउंटिंग वाउंटिंग इसके अंदर तो मेनली हो रही होती है, और ग्लूकोज प्रोटीन के जो मैंने टेस्ट के नाम लिए ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनके टेस्ट जो अपन ने मैंने आपको प्लूरल फ्लूड के अंदर पढ़ाया था, और बाकी जहाँ कहीं भी आता है वो सारे टेस्ट इसमें अपन लिख सकते हैं, जैसे बायूरिक टेस्ट है, ग्लूकोज के लिए वगैरह, प्रोटीन के लिए अपन सॉरी ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट है, और प्रोटीन के लिए एसिटिक एसिड टेस्ट है, नाइट्रिक एसिड टेस्ट है, ये सब प्रोटीन के लिए किया था। तो वो बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक टॉपिक जो एक जगह बता चुकी हूँ उसको बार बार बता करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप वहाँ से ही पढ़ करके यहाँ पे लिख लीजिए, जो टेस्ट सबका सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होता। तो यहीं पर अपन ये ख़त्म करते हैं क्लास को।